अपने विषय वस्तु की ओर। मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में भारत सरकार की योजनाएं करा रहा हूं। योजनाओं में आज कई सारी योजनाएं लेके आया हूं मैं आपके साथ। देखिए, एक बार मैं लिस्ट बताता हूं आज योजनाओं की, कितनी योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं वैसे। मैं आज लिस्ट बताता हूँ, सुनिएगा। लगभग मुझे लगता है 10 मिनट तो मुझे लिस्ट बताने पर लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, जितनी योजनाएँ मुझे करवानी हैं। पहले तो भारत सरकार ने बहुत सारे सरकारी ऐप बनाए हैं, ठीक है, और बहुत सारे पोर्टल बनाए हैं, ठीक है, ऐप पोर्टल हैं, और ये ऐप पोर्टल बहुत बड़ी संख्या में हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐप पोर्टल के हल्के फुल्के नाम लूँगा, बाद में मैं सारे पढ़ा दूँगा आपको, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे गर्व ऐप बनाया गया था, गर्व ऐप आपका ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बनाया गया, दिव्यांग सारथी ऐप बनाया गया, ई सनद बनाया गया, ई उपकरण बनाया गया, ई औषधि बनाया गया, प्रिया सॉफ्ट बनाया गया, तरंग बनाया गया, दीप बनाया गया, ताम्र पोर्टल एक बनाया गया है, प्लान प्लस बनाया गया है, पेंसिल बनाया गया है, बंधन तोड़ बनाया गया, उमंग, दीक्षा, अब बहुत सारे हैं। मैं इनको सबको लेके चलूँगा तो आप लोग, बड़ी लंबी टाइम लग जाएगा, मैं इन सब पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको आज स्कीमें बताता हूँ कितनी हैं जो हमें करनी है। लगभग 10 से 5 मिनट में आपको पता चलेगा मोटा मोटा आइडिया कि इस सरकार ने काम कितना कर डाला। एक है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, पढ़ेंगे इसको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आमतौर पे बहुत सुनी सुनाई फसल है, बहुत सारी स्कीम्स आपने सुनी नहीं होगी। एक आपने नहीं सुना होगा शायद, इंडिया एस्पिरेशन फंड बनाया गया है, क्या है नहीं पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अमृत मिशन शायद जानते हो आप लोग, जानते हैं अमृत मिशन के बारे में। शहरीकरण को लेकर के है कि शहरों में हमें 500 ऐसे शहर बनाने हैं जहाँ पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, आज पढ़ाऊंगा अमृत मिशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पक्का सुना होगा। आई थ्री के बारे में जानते हैं, I3 प्रोजेक्ट चालू किया गया है, ये बायोफार्मा, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन भी बोलते हैं इसको, नहीं जानते होंगे I3 के बारे में, आज पढ़ाऊंगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सब जानते होंगे आप लोग। राष्ट्रीय बायोश्री योजना नहीं जानते होंगे। हाँ, नीति आयोग ने एक साथ कार्यक्रम चालू किया है सहकारी संघवाद को लेकर के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चालू हो उसके लिए साथ कार्यक्रम चालू किया है। इसके बाद आपका अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, डिजिटल रूप से लोग साक्षर हो जाएं उसको लेकर के। अटल सुधार प्रयोगशाला, ये शायद नहीं सुना हो मुझे लगता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना मैंने पढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये भी सुना होगा। टेली लॉ योजना नहीं सुना। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबने सुना है। प्रधानमंत्री आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नहीं सुना। मातृत्व लाभ स्कीम, विद्या वीरता अभियान, संपदा योजना, प्रो बोनो विधिक सेवा स्कीम, न्याय मित्र स्कीम, भीम आधार ऐप सुना है आपने, भीम ऐप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेस कैश टाउनशिप प्रोग्राम नहीं सुना होगा। एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोधक एक्शन प्लान नहीं सुना होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रोग्राम नहीं सुना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाया मैंने, सुकन्या समृद्धि पढ़ा दिया। PSU बैंकिंग सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष एक आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए, एक मिशन इंद्रधनुष आपका है ना इस सेक्टर के लिए भी है। इसके बाद एक है कॉरपोरेट कर्ज पुनर्संरचना यानी CDR स्कीम, नहीं सुना होगा आपने। हाँ, S4 स्कीम नहीं सुना। राजनीतिक कर्ज पुनर्संरचना यानी SDR स्कीम सुना है। युक्ति स्कीम, योग्य कलाकार की तकनीकी स्कीम नहीं सुना। क्या सुना है फिर, क्या पढ़ते हैं आप लोग। कौशल केंद्र डेवलप करने की बात है, चलो बहुत सारे हैं अभी मेरे पास। उन्नत भारत अभियान, ईशान उदय योजना नहीं सुना। प्रगति स्कीम, ये तकनीकी शिक्षा के लिए बालिकाओं को छात्रवृत्ति को लेकर है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, साला दर्पण, साक्षर भारत, ईशान विकास नहीं सुना। एकल बालिका के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। तिथि भोजन स्कीम, वन बंधु कल्याण योजना सुना है। समन्वय कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स स्कीम, मेगा फूड्स पार्क योजना, भारत का सांस्कृतिक मानचित्रण राष्ट्रीय मिशन नहीं सुना। स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ अभियान नहीं सुना। बहुत सारी पहाड़ी क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम,
वात्सल्य मातृ अमृत कोष, मानव दुग्ध बैंक बनाने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है, तेजस्विनी योजना, कमिट प्रोग्राम, समावेशी भारत अभियान, मिशन रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम, भारत QR कोड, इनाम प्रो प्लस, साझा वेब मंच, मोबिलाइज योर सिटी, फास्ट टैग प्रोग्राम, साथिया सलाह मोबाइल ऐप, दरवाजा बंद अभियान, इसे तो सुना होगा, रेलवे का मिशन 41K, 1G1 अभियान, मेरठ बेपोप, अब बहुत है मेरे पास तो पूरी भरी हुई है लिस्ट, शहरी आवास योजना, छात्र स्टार्टअप नीति, दीनदयाल अंत्योदय योजना, हवा बदलो अभियान, राष्ट्रीय स्वित्र पर्यावास मिशन, शहरी मैं पढ़ाने लग जाऊँ ना तो पता चला एक साल यही चल रहा है, इतना सारा भारत सरकार ने पढ़ा, अटल पेंशन योजना ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, सेतु भारतम कार्यक्रम, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, हृदय योजना, प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना, स्टार्टअप इंडिया अभियान, फंड फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया, मूल्य स्थितीकरण निधि एक बनाई गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ऊर्जा अभियान, उदय स्कीम, ऊर्जा गंगा परियोजना, दीपी नीलामी पोर्टल, उजाला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला तो हो गया, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सुगम्य भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, कुछ हो चुके हैं बाकी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ई क्रांति, प्रोजेक्ट एरो, अंतरिक्ष विज्ञान प्रोत्साहन योजना, मौसम परियोजना, दीनदयाल श्रमजीव जयते योजना, प्रोजेक्ट सनराइज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, स्वयंभू स्वर्ण बांड स्कीम, बहुत सारा है, मैं कितना पढ़ा, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, मेरे पास इतना कंटेंट है इस चीज़ को लेके, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, किरण योजना, निधि योजना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सत्यम योजना, सूर्य ज्योति, नाउकास्ट, बहुत है, बहुत मटेरियल है, लगभग लगभग कितनी होंगी, लगभग लगभग मेरे पास 500-600 स्कीम है, मास्टर वीडियो जब आएगा सब लाऊंगा, उसमें संभव हो पाएगा एक पार्ट में तो, लेकिन हालत ख़राब हो जाएगी, पढ़ना सब है और क्या, सबसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछता है, कोई ये नहीं कह सकता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, कब कौन सा मुद्दा उठ गया क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो तभी होता है जब वो एग्ज़ाम में आ जाता है, तभी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, फिर अगली बार दूसरा आता है फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए पढ़ के सब जाना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, लगभग लगभग मैंने इकट्ठी की हैं आपके पास जितनी योजनाएँ मैंने आपसे कहा था सारी योजनाएँ इकट्ठी की हैं, और इसमें 500 क्या 1000 भी हो सकती हैं, मैं गिन नहीं पाया अभी, आशा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, रोजगार आश्वासन योजना, समझिए ये पुरानी योजनाएँ भी इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं, हॉल मार्किंग स्कीम एक पहले चलती थी आपकी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये आपका चलता था, ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई, अब इनकी जगह पे दूसरे महत्वपूर्ण प्रोग्राम आ गए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, ये बहुत पुराने कार्यक्रम है, किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, माता और बाल निगरानी प्रणाली, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, तो जब आएगा ये जिज्ञासा, बहुत सारे हैं मेरे पास, पूरे हर सारे मंत्रालयों ने अभी तक जो बनाया है वो सब है, पूरा मटेरियल है, अब इंतज़ार करो जिस दिन मेरा दिमाग खटका ये सब एक बोर्ड पे आएंगे, अब कब खटकेगा इसका बस सबसे बड़ा मुद्दा है, चलो फिर शुरू करते हैं जो हमें करना है, हम एक एक करके चीज़ों को कर रहे हैं, मास्टर वीडियो में एक साथ सब दूंगा, बस समय का इंतज़ार है कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब आएगा तब बढ़िया से आएगा, चलो